सो गाइस ये है Realme का न्यू स्मार्टफोन Realme GT Neo 5 SE जिसको कल चाइना में लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है और इसके बारे में कहा ऐसा जा रहा है कि ये फोन हमें बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे, कैसा है ये फोन, यहाँ पे क्या कुछ चीजें दी गई है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्राइस इसकी चाइना में क्या रखी गई है, इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आया है जिसके ऊपर हमें ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाते हैं। दो कलर में इसको लॉन्च किया गया है और Realme GT Neo 5 से इसका डिजाइन काफी इंस्पायर है। उसी की तरह इस फोन के अंदर भी बैक साइड बहुत बड़ा सा कैमरा हाउसिंग देखने को मिलता है जहां पे ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड एक LED फ्लैश लाइट दी गई है। बट Realme GT Neo 5 की तरह दोस्तों इस फोन के अंदर RGB लाइट नहीं दी गई है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलता है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स काफी पतले हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे एक चीज बताना भूल गया कि ये जो फोन है ये काफी बल्की है क्योंकि यहाँ पे 9mm का थिकनेस दिया गया है, लेकिन इसको लाइट वेट भी रखा गया, 193 ग्राम ही इस फोन का वेट है जबकि फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.74 इंच का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1.5K के रेजुलेशन के साथ आता है। 10 बिट्स का डिस्प्ले है जहां पे 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट देखने को मिलते हैं और डेफिनेटली यहां पे HDR 10 प्लस वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफी अच्छे निकल के आएंगे और यहाँ पे बेजल लेट डिस्प्ले दिया गया है तो जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। वैसे ये डिस्प्ले काफी स्मूथ और ब्राइट भी है क्योंकि यहाँ पे 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है एंड 1400 निट्स का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग इसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। खैर अब अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो इस फोन के अंदर Qualcomm का न्यूली लॉन्च Snapdragon 7 Plus Gen 2 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.91 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है एंड 9.5 से 10 लाख के करीब ये एंतुतु स्कोर निकाल कर देता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा नो डाउट इस फोन में बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो लोग COD या फिर BGMI जैसे हैवी गेमिंग करना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर Adreno 725 वाला GPU लगा है जिसकी वजह से ये सभी तरह के हैवी गेमिंग काफी आराम से हैंडल कर लेगा। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर UFS 3.1 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR5X वाला RAM देखने को मिलता है। तो एप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो रहेगी वो भी काफी फास्ट होगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एंड Realme UI 4.0 के ऊपर रन करता है। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है, 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल होने के साथ साथ काफी पावर एफिशिएंट भी है क्योंकि 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से बहुत अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट मिलता है। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे नहीं दिया गया बट हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे वाइपर कूलिंग चैम्बर लगा है। बाकी फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी इस फोन से काफी अच्छा रहेगा। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64MP का है जिसे आप मैक्सिमम 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे और ये ओमनी विजन का सेंसर है। बाकी दूसरा कैमरा यहाँ पे 8MP के देखने को मिलते हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड तीसरा कैमरा यहाँ पे 2MP का दिया गया है जो कि एक माइक्रोस्कोप लेंस है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16MP का सेंसर लगा है जिसे आप मैक्सिमम 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से डिसेंट है, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकता तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगा। बाकी इसके अंदर HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, प्रो मोड और स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं।
तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 256GB 12GB 256GB 12GB 512GB and 16GB 1TB के चार मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 256GB उसकी प्राइस 1999 रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 24,000 होती है। सेकेंड मॉडल को 26,000 में लॉन्च किया गया है एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 28,000 रखी गई है। और फोर्थ मॉडल के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइस 31,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रखी गई है। अगर ये फोन इंडिया में आता है, अगर आता है तो पॉसिबली इसकी प्राइस इंडिया में 27,000 to 30,000 के बीच रखी जाएगी। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो अब तक इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर रियलमी की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया, बट रूमर्स और लीक्स वगैरह सामने निकल के आए हैं। कहा जा रहा है कि ये फोन अगले महीने शायद हमें इंडिया में भी लॉन्च होता देखने को मिलेगा। इसके साथ रियलमी जीटी न्यू 5 भी इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन किस नाम से इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा इसको लेकर अब तक कोई भी लीक्स वगैरह सामने निकल के नहीं आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।